हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बीकॉम सेम 5 स्टैटिस्टिक्स के न्यू चैप्टर 2 की न्यू मेथड के बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट मेथड उसके वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख सकते हैं। और इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और गुजरात यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट्स वगैरह जो भी होती है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो आज का इस वीडियो है बीकॉम सेम 2 स्टेट का चैप्टर 2 के न्यू मेथड है, उसका नाम है अधिक गुणोत्तर वितरण। तो इसमें क्या होता है कि द्विपदी वितरण प्रयोग में जब दो से ज़्यादा हमें सफलता मिलती है तब हमें अधिक गुणोत्तर वितरण का हमें उपयोग करना होता है। और उसके सूत्र जो है वो आपको यहाँ पर बताए हुए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। आपको अगर आप इसके सूत्र याद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट पा लीजिए। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2 और पेज नंबर 21। अगर आपकी ओल्ड बुक है तो पेज नंबर 21, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमें यहाँ पर किया गया है कि एक डब्बा में 5 लाल 7 सफ़ेद दड़ा है, तेमाथी 4 दड़ा लेवामा आवे छे, 4 दड़ा लेवामा आवे छे, तो 2 लाल अने 2 सफ़ेद हो, ठीक है। तो समझते हैं, अब ये जो लाल दड़ा है वो M और सफ़ेद है वो N, और यहाँ पर हम कुल लिख लेंगे। तो लाल दड़े जो है वो 5 है और सफ़ेद 7 है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 17 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या फर्स्ट जो है उसमें हमें क्या कहा है कि 2 लाल अने 2 सफ़ेद, तो हमने यहाँ पर 2 लाल लिख लिए, 2 सफ़ेद लिख लिए, टोटल हमें पसंद कितने करने हैं, 4 करने हैं। इसके बाद दूसरे में हमें क्या कहा गया है, बधाज दड़ा एकज रंगना हो, बधाज दड़ा एकज रंगना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है, तो बधाज एकज रंगना हो कहाँ तो बधाज लाल हो कहाँ तो बधा सफ़ेद हो। तो हमने सबसे पहले लाल को लेना है, लाल उसके बाद सफ़ेद 0 इज इक्वल टू 4, और इसके बाद जब सफ़ेद 4 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अब हम क्या कर लेंगे, तो हम सूत्र लिख लेंगे। सूत्र का एक वीडियो मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया हुआ है, सूत्र को देख लीजिए। ये सूत्र हमने यहाँ पर उतार लिया, अब हम क्या करते हैं, ये सूत्र हमने लिख लिया, अब उसके अंदर हम सूत्र की रकम उतार लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले 5C2, सबसे पहले 5C2, तो 5 है और C2, उससे जैसा हमें यहाँ पर सूत्र दिया गया है वैसा उसकी कीमत हम यहाँ पर उतार देते हैं। सबसे पहले M हमें 5 दिया हुआ है, और X मतलब हमने जो सिलेक्ट किया था, 2 सफ़ेद 2 काला 2 4 सफ़ेद 4 लाल, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमने 2 लिखना है, 2 सिलेक्ट किए थे हमने 2 लाल, तो वो हमने 5C2, और N कितना था हमारा 7 था, और उसमें से हमने कितने पसंद किए थे, 4 पसंद किए थे, उसमें से X हमने 2 माइनस कर दिए, तो और नीचे दोनों का प्लस करके 12 आ रहा था, उसमें से पसंद हमें कितने करने थे, 4 हमें यहाँ पर पसंद करने थे। तो 5C2 का हमें कैसे गुणाकार करना है, तो हमें ये 5C2 है तो 5C2 दिया है हमें, तो ऊपर हम 2 रकम उतरेंगे और नीचे भी हम 2 रकम उतरेंगे, तो ये 1 रकम और ये 2 रकम, ये 1 और 2, तो 5 चौक 20 और 20 भाग्या 2 एकू 2, तो 20 भाग्या 2 मतलब कितना, 10, ठीक है। इसी तरह 7C4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 7C2, तो 7C2 का कैसे करेंगे, तो 7 × 6 एंड 2 × 1, तो 7 × 42 42 / 2, तो ये कितना आएगा, 21। इसी तरह 12C4 का हम करेंगे तो हमारा 495 आएगा, और
400 ये ऊपर ऊपर का, हम यहाँ से ऊपर ऊपर का हम यहाँ से इसको सरवाड़ा करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और भाग्य हम करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.42। इसी तरह दूसरी जो हमें यहाँ पर किया गया है, दूसरे में हमें कैसा कहा गया है देख लीजिए। ये फर्स्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड हमारा है कि 5C4 7C0 और 12C4। इसके अलावा 5C0 7C4 और 12C4, तो क्या करना है, ये सूत्र हमें यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद 4C3 48C0 और 5C3। अरे सॉरी दोस्तों, ये रहा हमारा सम, ये 5C4 7C4 -4 और 5C0 × 7C4 अपॉन 12C4। दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ऊपर जैसा दिया हुआ है वैसा ही m की जगह पर m लिखना है, x की जगह पर x लिखना है, n की जगह पर n, r की जगह पर r, और नीचे m प्लस n जो है वो वैसा कि वैसा ही रखना है, और उसमें से जो माइनस करना है वो उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो आंसर आएगा 5 × 1 प्लस, अगर 0 है, ये 0 है उसकी जगह पर हमें 1 लिख लेना है, ये यहाँ पर भी 7C4 -4 तो 0 हो जाएगा, तो 0 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1, और यहाँ पर भी वैसा ही, यहाँ पर 4 - 0 तो 4 ही बचेगा, तो यहाँ पर 35 आएगा और नीचे 495। इसी तरह ये 40, ये 35 × 1 मतलब 35, 5 × 5 मतलब 5, और 35 + 5 तो 40 और 595 दोनों का भाग अगर करेंगे तो हमारा ये आंसर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सम था आपके लिए, छोटा था, छोटा सी ये सम था, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें इसको, और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्या समझ में नहीं आया वो मुझे बताइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।